नमस्कार मैंने पिछले दो तीन एपिसोड में आपसे जिक्र किया कि हम जिन फ्रंट्स पे यूपी पुलिस और उसका अंग एस हम जिन फ्रंट्स पे जूझ रहे थे पहला आतंकवादी घटनाएं उसमें जो हम लोगों ने किया वो सिलसिलेवार एक, एक करके मैंने आपको बताया दूसरा आई एस आई का फैलाया हुआ मकल जा मकड़ जाल जिसके कारण हमारी देश की सुरक्षा को बार बार खतरा हो रहा था उसमें भी सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद से काफ़ी प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी आई एस आई एजेंट पाकिस्तानी आई एस आई अधिकारी और जो दो एम दर्जे के आई एस आई एजेंट थे उनकी गिरफ्तारी हुई इनमें से ज़्यादातर जो उस समय 2006 तक हम लोगों ने गिरफ्तार करके बंद किए थे उनमें से ज़्यादातर आज भी जेल में बंद हैं इसके अलावा तीसरा फ्रंट जो उस समय सबसे अधिक परेशान कर रहा था वो था जाली मुद्रा यानी जाली नोट यानी नकली नोट यानी टेक्निकल टर्म में जिनको कहते हैं एफ आई सी एन फेक इंडियन करेंसी नोट्स इनका प्रचलन बैंक के अधिकारी बार बार ये बता रहे थे और तमाम और एजेंसीज बार बार ये बता रही थी कि बहुत बड़ी संख्या में ये फेक करेंसी नोट प्रचलन में उत्तर प्रदेश में और भी देश के अन्य भागों में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे लेकिन हम उत्तर प्रदेश तक सीमित थे और हम एज़ ए एजेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की उस समय तक जो अच्छी साख जिसको मिल चुकी थी एस उसके लिए ये नया चैलेंज था मैं बार बार बता रहा हूँ तब तक 2006-7 तक ए का गठन नहीं हुआ था और इस बार यानी दोबारा जब मैं एस में तैनात हुआ तो दोबारा टेररिज़्म और उससे रिलेटेड जितने अपराध थे उसकी जिम्मेदारी हमारी टीम को दी गई थी हमारी टीम में हमारे टू आई सी जो हमारे डिप्टी एसपी थे जयप्रकाश और दूसरा एस आनंद ये हमारे साथ थे और हम लोगों ने दोनों हमने हमारी पूरी टीम ने सालार को मुठभेड़ में मारा हरकतुल अंसार और लश्कर तयबा के बहुत ढेर सारे आतंकवादियों को बहुत बड़ी बरामदगी के साथ गिरफ़्तार किया उसके बाद आईएसआई के जो जितने बड़े ऑपरेटर सूचना मिलने के बाद जहां तक हम पहुंचे और जो हम लोगों ने अपने स्तर से डेवलप करके पता किया उनके खिलाफ कार्रवाई की एफआईसीएन के बारे में भी बेसिक जानकारी इकट्ठा की गई कि आखिर इसका रूट क्या है किस तरह का है क्या सिक्योरिटी फ़ीचर्स ऐसे हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को मैच नहीं करते हैं नकली और असली में क्या अंतर है और इन सब बातों के बाद ये पता लगा कि वैसे तो कई अलग अलग जगहों से ये आ रही है इसकी खेप लेकिन नेपाल सीमा से सबसे अधिक नकली करेंसी नकली नोट जाली नोट एफ इसकी सप्लाई भारत वर्ष में की जा रही है जो हमारी इकोनॉमी को लगातार ख़राब कर रहा है देखिए एक तो युद्ध होता है पड़ोसी देश से हमारे जो युद्ध हुए हैं वो तो एक सीधा वॉर है बिल्कुल सीधी लड़ाई है हम आ, बॉर्डर पर दोनों सेनाएं हैं आमने सामने और हम लड़ाई लड़े और हर बार जीते भी एक लो इंटेंसिटी वार लो ग्रेड वार ये छद्म लड़ाई है अनकन्वेंशनल वार छद्म लड़ाई है जो हमारा पड़ोसी देश लगातार हमारे साथ कर रहा है किसी भी देश की इकोनॉमी को उसकी अर्थव्यवस्था को ख़राब करने के लिए इससे सस्ता इससे सीधा और जिसे कहते हैं पीठ पे छुरा घोपने वाला और कोई तरीका नहीं हो सकता इसलिए एजेंसीज़ भी इसके लिए बहुत परेशान थीं हम लोगों ने अपना अभियान शुरू किया दो महीने तीन महीने पहले इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की नेपाल के बॉर्डर में कहाँ कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन है वैसे नेपाल की सीमा हमारी पोरस है खुली हुई है कोई बाउंड्री नहीं है कोई कटीले तार नहीं है कोई गेटवे नहीं है बहुत ढेर सारी हजारों ऐसी पगडंडियाँ और सड़कें हैं जो उधर से इधर को जोड़ती हैं और हम लोग दोनों देशों के नेपाल जैसे पड़ोसी देश से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे रहे हैं जिसके कारण इस तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती दोनों तरफ के नागरिकों को आने और जाने में इसी का फ़ायदा उठाकर पड़ोसी पड़ोसी दुश्मन देश ने ये लो इंटेंसिटी वॉर भारत के साथ छेड़ रखा था पहली गिरफ्तारी हुई 11 जून 2006 को कम नोट मिले लखनऊ में तीन लोग गिरफ्तार हुए दूसरी बड़ी गिरफ्तारी यानी हम लोगों के हिसाब से पहली ऐसी बड़ी गिरफ्तारी जिसमें बहुत ढेर सारी जानकारियां मिली वो हुई थी 14 अगस्त 2006 को महानगर क्षेत्र है ट्रांसगुमती में उसके गोल मार्केट के पास और इसमें हमें कुल छः अभियुक्त गिरफ्तार हुए 15 अगस्त 2006 को इनके पास से करीब करीब बानवे हज़ार रुपये नकली नोट के जो उस समय एक एक हज़ार रुपये के करेंसी नोट से वो बरामद किए गए इनमें जो छः लोग बरामद हुए उनमें से एक कुंदन किशोर पुत्र राम बिहारी राम निवासी सिमरा रेलवे कॉलोनी रोड फाइव मकान नंबर एक सौ बी रेलवे कॉलोनी बड़गांव थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा इसके पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे और रेलवे के क्वार्टर्स में रेलवे कॉलोनी में ये रहा करता था इसके साथ जो अभियुक्त और पकड़े गए उनमें से एक वीरेंद्र कुमार सिंह जौनपुर का धर्मेंद्र कुमार सिंह बस्ती का आलोक श्रीवास्तव ये भी कोतवाली नगर का और देव प्रकाश शुक्ला ये भी गोंडा का रहने वाला था इनसे सस्टेंड इंट्रोगेशन क्योंकि हम लोग उस समय ये चाहते थे कि हम इस पूरे चैनल का पता करके पूरे चैनल को बंद करें पूरे चैनल को ख़त्म करें जिससे या हम वहाँ तक पहुँचें जहाँ से ये सप्लाई हो रही है ताकि इस गंभीर बीमारी को इस गंभीर अपराध को ये जो छद्म युद्ध हमारे देश के साथ छेड़ा गया है इसको हम पूरी तरह से नेसना नबूद कर सकें वहाँ बड़ी इस व्यक्ति से बहुत ही अहम जानकारी मिली कुंदन किशोर ने ये बताया कि ये सब हम नेपाल की सीमा से बीरगंज जो नेपाल में पड़ता है भारतीय सीमा से बिल्कुल लगा हुआ वहाँ से ले आते हैं उसने ये भी बताया कि वहाँ उसे नसीर नाम के एक व्यक्ति से ये सौदा हम लोग करते हैं अलग अलग टेलीफोन नंबर से उससे संपर्क करते हैं और वन इस टू थ्री के रेशियो में यानी अगर हम उसे दस हज़ार रुपये भारतीय मुद्रा के असली मुद्रा के देते हैं तो वो हमें तीस हज़ार रुपये नकली मुद्रा के एक हज़ार रुपये की नोट दे देता है कैसे देता है इसके बारे में भी बताया गया कि जब ये पहुंच जाते हैं बीरगंज इन्हें बुलाया जाता है बीरगंज में दो बड़े छोटे छोटे से होटल हैं उस समय थे अब तो बताते हैं काफ़ी और होटलों की संख्या हो गई दो हज़ार में छोटे छोटे दो होटल थे उनमें टिका दिया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें बाहर बुलाया जाता है ये चेक किया जाता है कि आसपास कोई और तो नहीं है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई आदमी या फिर भारतीय पुलिस का कोई आदमी तो नहीं है वहाँ एक कपड़े में लिपटा हुआ जिसे कहते हैं सॉरी कागज़ में लिपटा हुआ अखबार के पुराने कागजों में लिपटा हुआ रबर बैंड लगा हुआ ये फेक करेंसी उनको दे और इंडियन करेंसी वो लेते ले ले हैं जो भी आदमी आता है ये भी बताया गया है कि हर बार जितनी बार हम लोग ये एक्सचेंज करने गए और कुंत इसका कुंदन किशोर और देव प्रकाश शुक्ला का ये भी कहना था कि ये लगभग पाँच बार इस तरह के कंसाइनमेंट वहाँ से ला चुके हैं और हर बार जो लेने वाला आदमी आता है पैसा लेने वाला या फिर करेंसी देने वाला वो अलग होता है एक ही आदमी हर बार सामान लेकर नहीं आता है ऐसा इन लोगों ने बताया इसकी क्वालिटी का आ, को चेक कराया गया आप यकीन करें कि जो क्रैंकलिंग साउंड यानी नोट को आप किसी भी नोट को करेंसी भारतीय करेंसी नोट को जब आप ज़ोर से झटका दें तो उसमें एक साउंड निकलती है क्रैंकलिंग साउंड किसे कहते हैं ये क्रैंकलिंग साउंड उसके आ, जो क्वालिटी ऑफ पेपर है उस पर डिपेंड करती है और जितने माइक्रॉन का हमारा आ, असली आ, हमारी असली करेंसी नोट होती है जिस जितने माइक्रॉन के थिकनेस की ये ठीक उतने ही माइक्रॉन के थिकनेस के एक एक हज़ार रुपये के नोट थे यानी क्रैंकलिंग साउंड से आप उसको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है वाटर मार्क जो सामान्य रूप से हमारे जो सामान्य आम जनमानस के लोग उसको धूप की तरफ या रोशनी की तरफ दिखाकर गांधी जी की वो तस्वीर जो देखते हैं जो कॉमन मैन के लिए वही एक पहचान का कारण है कि अगर वाटर मार्क है तो नोट सही है असली है उसमें जो वाटर मार्क बना था वो भी सही है ऐसा सामान्य लोग इसलिए कहते हैं कि पहले जो भी फेक करेंसी बनती थी वो लोकल प्रिंटिंग से लोग बनाते थे ब्लॉक प्रिंटिंग से हमने जब नौकरी शुरू की थी उस समय जो फेक करेंसी आ, आ, मिलती थी पाँच रुपए की और दस रुपये की वो ब्लॉक प्रिंटिंग से जो प्रिंटिंग करने वाले हैं खासकर ऐसे लोग जो साड़ियों की छपाई करते थे जो साड़ियों में अलग अलग ब्लॉक बना के उसमें छपाई करते थे तरह तरह की बेल बूटे और जो फूल पत्ती जो उसमें बनाते हैं बॉर्डर साड़ियों के जो उसमें ब्लॉक से प्रिंट करके बनाते हैं वही इसी तरह जो करेंसी नोट्स हैं उनके ब्लॉक बना लेते हैं और दो तीन तरह की इंक का इस्तेमाल करके वो पाँच और दस और पंद्रह की सफाई से काटे हुए नोट बना लेते हैं सामान्य कागज़ पर और देहात में दूर देहात में उसको चलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस समय इतना न तो ज्ञान था और न ही इस तरह की बहुत शिकायत आती थी और इस तरह के नकली नोट बना के चलाने वालों की संख्या भी बहुत कम थी सबसे बड़ा उसमें जो जो उसकी पकड़ थी जो उसका चेक पॉइंट था कि उसमें वाटर मार्क नहीं होता था धीरे धीरे ये बात सर्कुलेट हो गई ऐसा बता रहे हैं ब्रिटिश पीरियड से भी होता रहा है जो भी करेंसी नोट भारत की छोटे डिनोमिनेशन की चलती थी पहले तो सिक्के ही चलते थे नोट बहुत बड़ी अगर हुई तो पाँच और दस की नोट हुआ करती थी एक दो पाँच और दस की यही प्रिंट हुआ करती थी और ये पकड़े जाते थे और इसमें बड़ी सज़ा भी उस समय दी जाती थी अदालतों द्वारा तो धीरे धीरे गाँव की इस धारणा और ये बहुत लंबे समय तक चलाती इस चालीस वर्ष तक तो सामान्य आदमी उसको रोशनी के अगेंस्ट धूप के अगेंस्ट या बल्ब के अगेंस्ट या जो उसके आ, उसके पास जो भी रोशनी करने का साधन है जैसे सब्ज़ी बेचने वाला किराना की दुकान वाला सामान्य जनरल स्टोर का गांव में जो बेचने वाले छोटे छोटे सामान बेचने वाले जो दुकानदार हैं वो जो डिब्री उनके यहाँ जो लैम्प होता है मिट्टी के तेल में एक फीता लगा के उसके ऊपर माचिस से जला के उससे रोशनी करते हैं ढिबरी उसे कहते हैं उसके अगेंस्ट उस नोट को देख के वो पता कर लेते थे कि ये असली है या नकली है वही माइंडसेट से आज भी और हम लोग भी सामान्य रूप से अगर किसी के पैसा देने में या नोट में जरा सा भी डाउट दिमाग के इकोनमी में होता है तो पहला काम यही करते हैं ऊपर आसमान की तरफ उसको ऐसे ऊपर रख के और उसे देखते हैं कि इसमें वाटर मार्क है कि नहीं है लेकिन अब ये बात ख़त्म हो गई है उस फेक करेंसी फेक ए, 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 इंडियन करेंसी नोट में वाटर मार्क बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल वैसा ही जैसे ओरिजिनल में है दूसरा आदमी देखता है सिक्योरिटी थ्रेड यानी लोकल जो वो जो ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाने वाले थे वो उसमें सिक्योरिटी थ्रेड नहीं लगा पाते थे बल्कि वो ऐसी फेक करेंसी प्रिंट ही नहीं करते थे जिसमें सिक्योरिटी थ्रेड की ज़रूरत पड़ती हो उस ज़माने में केवल सौ के नोट में सिक्योरिटी थ्रेड लगा होता था एक चमकीला सा पन्ना जो उसके भीतर एम्बेडेड होता था कोई ऊपर से नहीं लगता है वो एम्बेडेड होता था थोड़ा थोड़ा भाग उसका अब दिखाई पड़ता है पहले वो सिर्फ़ एक तार की तरह जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो लगेगा इसमें भीतर एक तार लगा हुआ है जिसको सिक्योरिटी थ्रेड कहते हैं तो उसकी वो चूँकि वो बन नहीं पाता था लोकली तो ऐसे डिनोमिनेशन के नोट उस समय ब्लॉक प्रिंटिंग से प्रिंट किए जाते थे जिनमें सिक्योरिटी थ्रेड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी अब जो सिक्योरिटी थ्रेड है वो कभी कभी लाइट ब्लू और कभी कभी लाइट ग्रीन कलर का है और उसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे या लेंस से देखेंगे तो आर बी आई आर बी आई आर बी आई उसमें लिखा होता है तो उस एक हज़ार के नोट में वो आर बी आई भी लिखा हुआ था इसके अलावा जो और सिक्योरिटी फ़ीचर्स थे सब उसमें दुरुस्त सब उसमें अपनी जगह पर थे बहुत छोटे छोटे वेरिएशन के कारण उसे पहचाना जा सका जो हम लोगों ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया में जो गुमती रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गोमती नगर की शाखा है वहाँ से हम लोगों ने एक्सपर्ट को बुलवा के हमारे एसएसपी साहब ने एक रिक्वेस्ट लेटर भेज के उनको बुलवा के और ये बताया कि हमें इस तरह के नोट को कॉन्फिस्केट करने के लिए इनको पकड़ने के लिए और वो अपराधी जो इस कार्य में लिप्त हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये डिफरेंशिएट कर सकें और कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे इस तरह से रिजर्व बैंक के लोगों ने आके ये बताया कि कैसे ये डिफरेंट है ये पहली खेप थी जो हम लोगों ने पकड़ी थी इसके अलावा जिलों में छोटी 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 खेप पिछले डेढ़ दो साल से यानी 2004 और 5 से आ, 500 की और हज़ार की ये नोट पकड़ी जा रही थी लेकिन उनकी संख्या डिनोमिनेशन उनका टोटल अमाउंट उनका वो बहुत ज़्यादा नहीं था कम था अगली खेप लखनऊ में गोमती नगर ब्रिज के नीचे नौ नवंबर 2006 को पकड़ी गई ये भी आ, खेप बड़ी थी इसमें लाख के ऊपर पाँच पाँच सौ के नोट बरामद हुए आ, एक एक हज़ार के दो और पाँच पाँच सौ के नोट एक लाख तेरह हज़ार रुपये कुल बरामद हुए इसमें कुल नौ लोग पकड़े गए इन्होंने भी आ, यही बताया कि ये हम लोग करीब पाँच लाख रुपए हमें शमसुद्दीन निवासी बलुआ नवादा थाना मुबारकपुर जनपद आज़मगढ़ वो लेके आया था और ये आ, नेपाल के बॉर्डर से ये लाया गया था ये बहुत ही गंभीर बात हुई और फिर इसको पता किया गया कि आखिर ये कैसे सर्कुलेशन में है और इसी के बाद धीरे धीरे ये शिकायत आने लगी कि एटीएम से भी नकली नोट अब निकल रहे हैं जिसकी शिकायत हुई बैंक के ऑफिसर्स ने उसको चेक करके बताया वो वाकई नकली नोट थे फिर बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर से हम लोगों ने संपर्क किया कि आखिर क्या वजह है ये जब आपके यहाँ शॉर्टिंग मशीन एक होती है बैंकों में जो बैंकों में शाम को पैसा जब काउंट करते हैं तो शॉर्टिंग मशीन में डाल के उसे चेक करते हैं वो नकली नोट को अलग कर देती है और असली नोट को अलग कर देती है उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा साहब इतनी शातिराना तरीके से ये बनाए गए हैं नोट कि ये शॉटिंग मशीन जो पुरानी वाली है जो नॉर्मल पहले जो मैनुअल जैसी थी उससे ये शॉट नहीं हो रहे हैं दरअसल ये सारी समस्या ही शुरू हुई 2000 के आसपास जब हमारे यहाँ ए टी एम्स इंट्रोड्यूस किए जाने लगे ए टी एम्स चूँकि सॉइल्ड नोट यानी कटे फटे मार्क किए हुए ये नोट स्वीकार नहीं करते हैं और जो उनकी जो उनकी प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर की वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसलिए बैंक को एक क्लीन नोट पॉलिसी लानी पड़ी क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब ये है कि आप जब बैंक कलेक्शन uh, करेंगे तो कलेक्शन के बाद उसमें किसी तरह का मार्क नहीं लगाएंगे पहले उसको किसी तरह स्टिपल नहीं करेंगे उसे किसी तरह डोरे से बांधेंगे नहीं और ना ही उस पर कभी मार्किंग करेंगे जो लोग पुराने हैं जो इसको परसू करते हैं इस हमारी सीरीज़ को वो ये जानते हैं जैसे हम लोगों ने जब नब्बे के बाद नौकरी शुरू की तो पहली तारीख को हमारे अकाउंटेंट हम लोगों की तनख्वाह एक लिफाफे में करके ले आते थे जो भी उसमें डिनोमिनेशन रहता था ज़्यादातर वो बड़े नोट ही करते थे क्योंकि बड़ी उनका साइज बड़ा ना हो जाए तो वो जो उसके नोट हुआ करते थे उसमें बीच में एक बड़ा सा होल करके मोटे से सूत से उसको अच्छी तरह बांधा हुआ होता था उसके ऊपर एक हरे हल्के हरे रंग की चिप्पी लगी होती थी चिप्पी मतलब एक स्लिप जो गोंद से लगाई जाती थी उस स्लिप में उस ब्रांच का नाम लिखा होता था जिस ब्रांच जिस ब्रांच से ये विड्रॉ की गई है मतलब जिससे ये निकाली गई है जिससे आपको ये दिया गया है और उसमें ब्रांच मैनेजर के चिड़ियानुमा एक दस्खत नीचे बने होते थे तो पहले जब हम लोगों को मिलता था वहीं ऑफिस में तो पहले तो उसके ऊपर जो स्लिप हरी वाली थी उसको निकालते हैं उसके बाद चूंकि वो तागे से बंधा होता है तो ये डर लगता था कि अगर तागे को निकालने की कोशिश की जाएगी तो इसमें एक दो नोट फट सकते हैं तो इसको खोलने वाले एक्सपर्ट हमारे यहाँ अकाउंट सेक्शन में ही होते थे जो उस गड्डी को बीच से दो भागों में बांट लेते थे और दोनों को एक एक हाथ से पकड़ के और उसे एक को क्लाक एक को एंटी क्लाक घुमाते थे तब वो उसकी डोरी जिससे बंधी हुई वो टूटती थी कभी कभी उसकी वजह से थोड़ा जो उसमें होल बना के जिसमें डोरी लगाते थे वो उसकी वजह से एक आध नोट में वो उसका होल जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता था इसके बाद दूसरी दूसरा तरीका शुरू हुआ जब स्टेपलर्स बड़े 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 स्टेपल पिन वाले स्टेपलर्स आ गए तो फिर जो नोट वहाँ बनते थे वो जो गड्डियाँ बनाई जाती थी उनको स्टेपल कर दिया जाता था बड़े वाले जो पिन होती हैं उनसे लगा के जो बड़े स्टेपलर होते हैं दोनों तरफ से अच्छे से उसको स्टेपल कर देते थे और उसके बाद फिर आपको जो आपकी पे है सभी कर्मचारियों को सभी शासकीय गैर शासकीय प्राइवेट इन लोगों को गड्डियों में ही वो पैसा दिया जाता था उसको भी खोलने या तोड़ने में वही तरीका अपनाया जाता था और कभी कभी ऑफिसों में एक वो छोटा सा चाकू निमा जो आगे से बहुत शार्प होता है वो स्टेशनरी वालों की सप्लाई में ऑफ़िस में आता था जिसको पिन के नीचे से भीतर डाल के उठाने पर वो पिन खुल जाती थी दोनों तरफ से और पिन को निकाल के आप उस गड्डी को खोल सकते थे उससे भी नोट में हर प्रत्येक नोट में दो दो चार चार छेद और अगर ये प्रोसेस कई बार जमा करना निकालना बैंकों के थ्रू होता था तो एक एक नोट में आ, वो आ, वो जिसको कहते हैं वो होल्स मौजूद रहते थे ये होल उस जगह बनाए जाते थे जहाँ पर गांधी जी की तस्वीर होती है वो जगह चूँकि खाली होती है और कभी कभी तो अब तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन पहले हर एक पर लोग अगर वो स्लिप नहीं है तो उस खाली जगह पे ही लिख देते थे अपना एक सिग्नेचर लगा देते थे बड़े संख्या में नोट्स का लेन देन करने वाले जो व्यापारी थे वो भी अपना नाम उसमें लिख दिया करते थे ताकि कोई कन्फ्यूज़न न हो कि ये नोट कौन दे गया है तो आपने एक आ, बहुत उस समय बहुत प्रचलन में आया आज से दो तीन साल पहले एक नोट पर किसी के बेवफा होने की बात लिखी हुई थी जो काफ़ी प्रचलन में आई तो इस तरह से लोग उसको लिख दिया करते थे लेकिन कभी इस बिना पर कि इसमें तागे से बांधने वाला होल है या स्टेपल के छेद हैं या कुछ लिखा हुआ है कभी किसी ने उसको लेने से इनकार नहीं किया लेकिन अब जब से एटीएम शुरू हुआ ये क्लीन नोट पॉलिसी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ गड्डियाँ बनाते समय बैंक वाले नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक नीले रंग का इलास्टिक नुमा चौड़ी पट्टी का रिबन नए नोटों के बंडल में लगा दिया जाता है और जिससे ये पता करना मुश्किल है कि ये किस ब्रांच से किस सब ब्रांच से कहाँ से ये आया है शाम को जब बैंकों के चार से दस बैंकों का पैसा इनके करेंसी चेस्ट में इकट्ठा किया जाता है जहाँ शॉटिंग मशीन होती है वहाँ इसे शॉट किया जाता है और कभी कभी ये जाली नोट उसमें से बाहर निकल आते हैं अब समस्या ये है कि जो बैंक्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसमें ये है कि अगर बैंक के कर्मी को गिनते समय लास्ट काउंटिंग के समय नकली नोट आ, मिलते हैं तो उसी की जिम्मेदारी है कि उसको आ, थाने पर भेज के एफ़ कराए और चूंकि उसकी गलती से बैंक के भीतर ये नोट आए हैं इसलिए वो अपनी तनख्वाह से अपने पैसे से उसकी भरपाई करे आप सोच सकते हैं कि अगर पाँच पाँच सौ के बीस नोट मिल गए तो वो बेचारा अपने पैसे से इसकी कैसे भरपाई करेगा तो वो भी आंख मूंद के उसे इग्नोर कर देता है और उसी शॉटिंग मशीन के थ्रू फिर से नई गड्डियों में वो आ, वो फेक करेंसी नोट आ जाते हैं इसी का फ़ायदा उठा के ये जो फेक करेंसी नोट के चलाने वाले हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं वो उसको इंडियन इकोनॉमी में एक एक करके डालते रहे ये पूरा आ, सिस्टम जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ये पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया हमारे पड़ोसी देश का और लगभग चार तीन साल तक तीन चार साल तक किसी भी तरह के फेक करेंसी नोट नहीं मिले मार्केट में इन फेक करेंसी नोट्स को जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस की तरह कहीं और प्रिंटिंग प्रेस में छपा होता है जिनकी क्वाई क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनको हाई क्वालिटी यानी एच क्यू एफ आई सी एन कहते हैं हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी नोट्स पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन एक बार हुआ ये कि एस टी एफ ने ही महाराजगंज में महाराजगंज जनपद मुझे अगर सही याद है तो महाराजगंज जनपद में ये ट्रेस करते करते एक हमारी दूसरी टीम वहाँ तक पहुँची और एक बैंक से लगभग छः करोड़ रुपए की फेक करेंसी नोट बरामद की गई हुआ ये था कि बॉर्डर का बॉर्डर का ये जनपद है नेपाल के बॉर्डर का वहाँ के किसी फेक करेंसी नोट के डीलर ने हमारे बैंक के किसी लोअर रंग ऑफिसर को सेट कर लिया और वहाँ से वो नकली नोट देता था और उसके बदले में यानी तीन गुने नकली नोट दे के एक गुना उसकी असली नोट वो ले लेता था, था और ये बैंक का कर्मचारी उनको उसी सर्कुलेशन में आगे की तरफ बढ़ा देता था तो वो आज भी बाद में ये सी को इंक्वायरी गई वो व्यक्ति जो पुलिस जो उसमें बैंक के कर्मचारी थे वो आज भी जेल में हैं ब्रांच का नाम मुझे अगर सही याद है तो डुमरियागंज की ब्रांच थी तो इस तरह से ये बिल्कुल घूम की तरह हमारी अर्थव्यवस्था को खाया जा रहा था लेकिन फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद फिर ये बंद हुआ लेकिन अब पिछले एक साल से ये हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी नोट्स ये फिर से प्रचलन में आ गए हैं बहुत ही ख़तरनाक बात है ये बहुत ही ख़राब बात है कि ये फिर से प्रचलन में आ गए इसमें एक बात जो हम लोगों को आ, पता लगी बाकी अच्छा उसके बाद फिर फेक करेंसी के सारे मामले चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों वो मिलने लगे सीबीआई को जैसे ही हमारे यहाँ प्रदेश में भी कहीं भी अगर फेक करेंसी की कोई बरा, बरामदगी होती है तो वो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को चली जाती है क्योंकि ये बड़ा मामला था देश के बाहर का मामला था ऐसा हमारे ख्याल से बड़ी एजेंसीज़ को ऐसा ज्ञात हुआ होगा तो वहाँ तक गई उसके बाद अब ये जांच एन करती है फेक करेंसी से संबंधित जो जांचें हैं वो एन को चली जाती है ये ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली और जितना एजेंसीज़ ने घुस के पता किया पाकिस्तान में क्वेटा में कहीं पर कोई प्रिंटिंग प्रेस है जिससे ये बलूचिस्तान में जहाँ पर ये प्रिंट किया जाता है और इसमें सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो पाकिस्तान की हैं वो इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि जिस तरह से फ्लोरसिन मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं जिस तरह से सिक्योरिटी थ्रेड इसमें इस्तेमाल करते हैं जिस थिकनेस का जो पेपर होता है वो इस्तेमाल करते हैं जिस आ, तरह का वाटर मार्क इसमें, इसमें इस्तेमाल किया जाता है ये सामान्य व्यक्ति अगर ये अपने से इसको इंतजाम करके और प्रेस और उसको प्रिंट करे तो उसे कुछ बचेगा ही नहीं पाँच सौ के नोट में इसकी लागत ही चार साढ़े चार सौ रुपये की हो जाएगी तो ये सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में आ, पाकिस्तान के और संभवतः जो आ, हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन दर इन्वेस्टिगेशन और बाकी जो सीनियर्स आ, हैं हमारे अलग अलग एजेंसीज़ के उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके हिसाब से ये क्वेटा में कहीं पर प्रिंटिंग प्रेस है जिस पर आ, पाकिस्तानी आर्मी का का सुपरविजन रहता है वहाँ से ये लाया जाता है बात अब इसके प्रचलन की है देखिए मई 2019 में यूनू संसारी जो नेपाली नागरिक है और एफ का सबसे बड़ा डीलर है उसको मई 2019 को उसे काठमांडू एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और उसके पास से दो दो हज़ार के डिनोमिनेशन के सात करोड़ रुपए के एफ बरामद हुए खास एयरपोर्ट पर काठमांडू पुलिस ने पकड़ा और उसे फिर जेल भेज दिया इसी तरह 22 सितंबर 2019 को पंजाब पुलिस ने इस तरह की हाई क्वालिटी फेक करेंसी नोट दस लाख रुपए की उन्होंने बरामद की 25 सितंबर 2019 को ढाका में 50 लाख रुपए के डिनोमिनेशन का एक कुरियर दो हज़ार रुपये के डिनोमिनेशन का मिला जो सलमान सेरा नाम के एक व्यक्ति ने दुबई से सिलहट के लिए भेजा था इंडियन एजेंसीज़ को इन्फॉर्म किया गया और ये आ, तब ये हम लोगों की जानकारी में आया तो अब अच्छा इसके रूट के बारे में हम लोग जिस समय इसका पीछा कर रहे थे सारी एजेंसीज जब पीछा कर रही थी तो एक रूट तो इनका नेपाल का था दूसरा रूट इनका से था जिसको हम लोग मालदा का रूट कहते थे बांग्लादेश से ये बॉर्डर क्रॉस करके किसी तरह अपने जो कंड्यूट्स हैं उनको मालदा तक भेजते थे जहाँ इधर से जाने वाले लोग आ, वो जाते थे और वही एक का तीन वहाँ पर वो लेकर आते थे इसके बाद के दरमियान जब हम लोग जब हम ए टी एस में आए थे तो अकेले मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर ही अलग अलग आ, बार यानी अलग कई बार में लगभग दो करोड़ से ज़्यादा की फेक करेंसी नोट हाई क्वालिटी फेक करेंसी नोट ए टी एस के आ, द्वारा पकड़ी गई थी तो ये बड़ा भारी रैकेट ये आ, आ, जो डिनोम जो डिनोमिनेशन बंद करने के समय में जब ये मुद्रा नई मुद्रा का चलन शुरू हुआ था अभी से चार साल पहले वो डीमोनेटाइजेशन के समय में उस समय तक बहुत ही भयावह रूप ले चुका ये लो इंटेंसिटी वार हमारी पड़ोसी देश का वो लगभग बंद हो गया था लेकिन अब फिर से वो सिर उठाने लगा है आप इसको जो इसमें सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं वो जैसे वाटर मार्क है ये आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा सिक्योरिटी थ्रेड वैसा ही मिलेगा करीब करीब 24 सिक्योरिटी फ़ीचर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो समय समय पर टेलीविज़न में uh, विज्ञापन के माध्यम से और अखबारों में बड़े बड़े uh, विज्ञापन आधे आधे पन्ने के विज्ञापन के माध्यम से लोगों की जानकारी के लिए भेजा जाता है कि आप नोट लेते समय इन, इन चीज़ों का uh, ध्यान दें उनमें से एक इंटैग्लियो प्रिंटिंग होती है जो हमारे दिव्यांग जिन्हें आँख में रोशनी नहीं है वो जो सिर्फ टच से पता करते हैं वो इंटैगलियो प्रिंटिंग से हाथ से छू के वो डिनोमिनेशन का पता कर लेते हैं कि ये 500 सौ की नोट है कि ये दो हज़ार की नोट है वो भी बिल्कुल उसी तरह से बनी हुई है सिर्फ एक वेरिएशन वो नहीं उसमें मिलेगा आपको क्योंकि वो बहुत खर्चीला है वो है ऑप्टिकली वेरिएबल इंक कलर पाँच सौ और हज़ार के नोट में जहाँ पाँच सौ और हज़ार बड़े बड़े से लिखा होता है वो वो चमकीला होता है कलर्ड होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है आप उसको अल्ट्रावाइलेट रेस के बगल से गुजारेंगे तो उसके अलावा भी जहाँ जहाँ ये हज़ार दो हज़ार या पाँच सौ लिखा होगा वो चमकेगा और बहुत सी जगहें वहाँ पर हैं जिससे वो आ, चमकता है और ये जो ऑप्टिकली वेरिएबल कलर चेंज चेंजिंग ऑफ कलर्स है वो आप नोट को जब अगर सीधा देखेंगे तो दूसरे कलर का देखेगा और उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके आ, लाइट में देखेंगे तो दूसरा कलर होगा ये वेरिएबल कलर्स ग्रीन और ब्लू में होते हैं सीधी आंख से देखने पर आपको वो ग्रीन दिखेगा या ब्लू दिखेगा उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा करके उसे फिर लाइट में देखेंगे तो वो दूसरे कलर का दिखेगा नकली नोट में ये फ़ीचर सिर्फ नहीं है लेकिन कॉमन मैन इस फीचर को न तो देख पाता है ना उसको इसका आइडिया है ना इसको बहुत ज्ञान है माइक्रो लेटरिंग जो एक और फीचर है 2500 के नोट में छोटे छोटे अक्षरों में कई जगह आर बी आई आर बी आई आर बी आई लिखा होता है वो आप लेंस की सहायता से देख सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी फ़ोटो ले लें और उसे जूम करें मैक्सिमम पर आपको बहुत साफ साफ लेटर्स दिखाई देंगे कई जगहों पर सी थ्रू नंबर्स उसमें होते हैं लेटेंट uh, इमेजेस होते हैं जिस डिनोमिनेशन का नोट है वो वो उसकी वजह से uh, आप सामान्य आदमी इसको डुप्लीकेट प्रिंटिंग अपने यहाँ नहीं कर सकता है तो ये गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या से उस समय एस टी एफ जूझी थी ये काम दिया गया था हमें uh, हमारे डीजीपी मुख्यालय से और सरकार से और क्योंकि केंद्र केंद्रीकृत रूप से जो एजेंसीज़ हैं वो इसको लेकर बहुत परेशान थी और वो परेशानी अब फिर 2019 के बाद के बाद से लेके अब 2020 में ये चल रही है और उतने बड़े आ, बड़ी रिकवरी अभी नहीं हुई हैं लेकिन एजेंसीज़ कोशिश कर रही हैं कि इनको इनके सोर्स पर ही रोक के और उनसे उनमें डील करने वाले लोगों को अरेस्ट करा लिया जाए ताकि ये आगे फैलने से इसको रोका जा सके लेकिन हमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है आप अगर उस किसी नोट में जो ऑप्टिकली वेरिएबल इंक है जो जानकार लोग हैं जो सुधी लोग हैं वो इसको देख लें अगर उनको ऐसा प्रतीत होता है तो ज़रूर बैंक ऑफिसर्स को दिखा के इसके बारे में पूरी जानकारी लें ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म करके इसके सोर्स को ट्रेस कर सकें आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद